अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूं काफिर जाकरी मौला दी कर बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। जिथे हूँ साढ़े उलमा है साढ़े अजीज साढ़े नाल दे अजीज हैं, प्रोफेसर साहब हो अनीस शाह साहब हो सारे अजीज हैं, ये उत्थे खुले जाके पढ़ते हैं बगैर खौफ खतर दे। असा उत्थे उदा पढ़ाया जदा डांगा एक मणे चली हुई होती हैं लाहौर हूँ जी जाते पढ़ते ना बड़ा बड़ा जलसा होंगे है चौधरी निशान अली कराइंदा उत्थे मैं गरीब ते कुतबी साहब का जिहाद एक मणे डांगा वाले खले होंगे असा नहीं पढ़न देना इतू खले होंगे असा पढ़ावना ही डांगा के विचाले असा पढ़े अज उत्थे पहुंचे। मकसद ये है कि खैर मनुत कहानी आई किबला फजल हुसैन शाह आई असी उन्हें बड़े जिहाद कर गए अपने अपने किसी तो इंसान ने किया अपने वास्ते किया मगर हूँ काम जरा सौखा हो गया है। इो जूसा अज तू 50 साल कि आई पाए अपनी पुरानी तारीख पढ़े पूछी तो करो बजुर्गों को अजय वजन बजुर्ग थे अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी तब्दीली है। अल्लाह तेरे बजुर्गों जवारे रहमत अता करे केड़ी सोहनी मस्जिद बनाई करे हो केड़ा सोहना इमाम बारगाह है केड़ा सोहना मेहमान खाना है जुम्मा हो रहा है मुबारक है तुहानू अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे अल्लाह तुहानू शाद रखे अल्लाह ताला तुहानू अजर इनायत फरमावे। जन्नत की कीमत है अकीदा चंगा ते आमाल चंगे। अकीदा भी मैं गिण के दस छोड़े आमाल भी मैं गिण के दस छोड़े परेशान तो नहीं हो रहे परेशानी दूर हो गई सी सलवात खुले रू डाल पढ़ लो अल्लाह माशा अल्लाह अल्लाह तुहानू सलामत रखे खुदा तुहानू शाद रखे। अलामा नजफी साहब ने मैनू दावत जो दिती सन 95 अपने जलसे दी बई वह जलसा 7 बुला के छोड़ना अल्ताफ हुसैन भाई सुनता बैठा मेरे नाल आई तो उत्थे पहुंचे उसे जनाब 7 बुला दरवाजे ते बैनर लगा कलो इतने वो जलसा कोई नहीं करावन देंदा तो हम जिहड़े मोमिन आवन पढ़न आए वह मदरसे च पहुंचे। मैं आख्या अल्ताफ इत्थे पढ़ लगी आ चलो कुछ इं रला मिला बन मजे आखी आ बाजवे दावत दिती आई सन तो पता ना आ गुड कराई खलोता उत्थे तो चिट्टे रड़े ते चढ़ बैना मदरसे मदरसे च वजह तो मुड़ को रला मिला कर सके ये रला मिला लाकरिए ची होंदा ही नहीं ये रला मिला मौलवीयत ची होंदा है रला मिला मसीहत ही होंदा है वो केड़ा काम है जेड़े ज रला मिला कोई नहीं इसे रले मिले दे विचू निखर के निकलना ही ते जन्नत लगनी समझ आती पई। अच्छा जिस बंदे ही रला मिला करना है ना उस सामने चंगा काम रखना है चंगे दे ओले च उस मोहम्मद खान है दस बंदे जड़े चिट्टा बंदा आखे मैं चोरी करने आया गला ओनू बंदे बांधते थे लिटरेशन न करे से जद ही दीन नाल फराड होंदा है किसी काम नाल अच्छा पहलू अगू रखा वैंदा है ओदे ओले च मुड़ फराड हो वैंदा पता उसे लगता है चले फराड हो वैंदा अल्लाह दी बारगाह च लिखींदा पे सब कुछ। बस मैं अपनी गुफ्तगू नूं मुकावां ते उदू मेरे उत्ते हुण वाजिब है मुड़ बंदे पता भी चल मार फयाज यार वतन दा बंदा पढ़दा तो चंगा है लम्मा हो बैठा हूँ मैं मरना तो क्या करा जिहड़ा बंदा मैनू आखे लम्मा हो बैठा है हाजरी नाल नारा सुना पीर अमीर दे नाम दा हैदरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਹਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਭਰਨਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਕਸਾਂ ਹੈ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਥਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ ਹੀ ਕਾਇਦੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਬਣਾਉਣ ਬੈਠੂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਸਲਾਮ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਮਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਨ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਵਣੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਈ ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋ ਵਣੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਕੋਈ ਹਾਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਪੜ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਅਕੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੂਲ ਦੀਨ, ਨਮਾਜ਼, ਆਪਣਾ ਤੌਹੀਦ, ਅਦਲ, ਨਬੂਵਤ, ਇਮਾਮਤ, ਕਿਆਮਤ, ਫਰੂਏ ਦੀਨ, ਅਮਲ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹਜ, ਜ਼ਕਾਤ, ਖੁਮਸ, ਜਿਹਾਦ, ਤਵੱਲਾ, ਤਬਰ, ਨਮਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਾਸਿਓਂ ਨੂਰ ਬਣ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਆਸੀ, ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬਰ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਮਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਮਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੌਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਕੀਦਾ। ਅਕੀਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਕਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਬਣੀ? ਮਤੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਜ਼ਾ ਚ ਦੇ ਬਣ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬਰ ਚ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਕਜ਼ਾ ਚ ਦੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਜ ਉਹ ਚੱਕਰ ਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਮੌਜ ਹੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਉਹ ਚ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਣਕਾਂ ਚੋਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਕਬਰ ਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਸੁਚੇਂਦੇ ਬੈਠੇ, ਮੌਜ ਹੋ ਗਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ, ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਹੀਏ? ਅਵਲੋ ਮਨ ਸੋਇਲਾ ਫੀ ਯੌਮਿਲ ਮਾਸ਼ਰ ਅਸਲਾ, ਯੌਮ ਮਾਸ਼ਰ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਾ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ੀਰਕ ਮਜਮਾ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੀਰਕ ਮਜਮਾ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾ ਸਵਾਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਗਾ? ਉਸ ਸੇ ਹੋਗਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਹੋਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਵਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਵਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੌਮ ਮਾਸ਼ਰ ਨਮਾਜ਼ ਕਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੋਮਿਨ ਸੇ।
نماز کا تو کچھ نہیں قیامت والے دیہڑے پہلا سوال نماز کا ہوں بندے آدن مار صاحب وطن سخت نہ پہ ہوئے اور سختی نہ پہ کریں سختی مہینہ دن نہ پہ کرے بنوں دین میں بڑھاونا یا میں دین بتاونا گھٹاونا خدا کے بندے آ نبی امام دین نہیں بتا گھٹا سکتے خدا دی قسم ہے نبی پاک دی صداقت دا ثبوت ہے کہ جو نازل ہوتا ہے اس کو امانت داری سے پہنچاتا ہے اور میرے بارہ پیشوا وہی بچاتے ہیں جو نبی پہنچا کے گیا مولوی دی کی جرت ہے ذاکر دی دین وداوے گھٹاوے نماز دا سوال صرف مومن صرف مومن صرف مومن ایک پرانا آیا حدیث پاک ہے پاک رسول دی اکرم الضیف ولو کان کافرا مہمان دی عزت کرو بھاوے کافر ہی ہوئے مہمان دی عزت کرو بھاوے کافر ہی ہوئے ہن کافر ہوئے ہندو ہوئے سکھ ہوئے عیسائی ہوئے کوئی ہوئے تے آوے تیرے کول پرانا تے توں بھائی حدیث رسول دی سامنے رکھ کے بھائی اللہ دا پیغمبر دا حکم ہے مہمان دی عزت کرو بھاویں کافر ہوئے تے اون روٹی پانی کھوائی سے ایدو پانی دا لوٹا ہی بھریا میں وضو کر دیندے ہو مصلی ہی واقسی روٹی دا دیندا پیا ہے پر میں ہاں ہی جدا مسلمان ہی نہیں بھائی تو کہی پڑھا ہوگا نماز مصلی ہی نہیں جا تے ہے میں گل کراں او بھائی کافر ہے واقعی ہندو ہاں ہندو نماز پڑھتے ہیں جو مہینہ نہ نماز پڑھ میں یہ چنگا بھولا مسلمان ہے تو ہندو نہیں ہے نماز پڑھ میں ٹکر دے روٹی دے رات دے رہا ہوں دے بس گل ختم کافر نو نماز آکھی جا سکتی ہے تیرے تے میرا سوال ہے غیر حاضری نہ کرے مشرک نو نماز آکھی جا سکتی ہے علی دے منکر نو نماز آکھی جا سکتی ہے اگلا مسئلہ آپ حال چکر نماز آکھی کہیں وہیں دیئے تو نماز پوچھے بھی نہیں کہیں دیئے جب میری سمجھ نہ آئی تو باہر دے دی مڑو کو خوش آمد کریں سمجھ آ گئی خوش آمد بھی ہون دیئے اور نماز کہیں وہاں دے اللہ تے پوچھنی کس تو آدھائی مومن ہوئے تے پوچھیں بھی مومن اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے ہوں میں آپ تھک پیا تا جا وٹائیں پہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرا کوئی اتنا پروگرام تو نہ آئی مگر میں جناب کو بڑی رحمت دیتی ہے نماز کا سوال کہیں دے تو آنا ہے مومن نماز قبول تا ہوتی ہے جو عقیدہ ٹھیک ہوئے ایک اور وڈکا اور لتا کرا عقیدہ تو چلو بندہ رکھ لے سی صحیح نماز دی قبولیت دا خان صاحب بڑی مہربانی پائے گیا میں تھا کہ باہ میں دکی ہوں پر اوپر چلنا اچھا ایک اور بڑی مصیبت لتی کری ہے بھائی عقیدہ تو چلو ٹھیک رکھ لے سن اللہ دا میں نماز قبول کرنی ہے جو نمازی دا عقیدہ ٹھیک ہوئے پھر اگو آتا ہے رزق بھی صحیح جانے یا علی رزق بھی کیوں نہیں رباس خان میں غلط مسئلہ کی یہ تو اچھا کر کے دس سے میں ٹھیک کی پوچھ لو عقیدے نہ لوں یا رزق والا کام اوکھا کیوں اوکا میں دس عقیدہ سے اوکا ہے پیو ماں کا جڑا عقیدہ وہ پوتر لب گیا تو صدق خان یہ تیرا میرا شیعہ بنن دے چوکا زور لگا زور تو لگنا ہے محمد خان کا چاچا جام خان میں بڑا پیار کریں دا ہی اللہ جاندا ہے محب اہل بیت آئی ایسی کوئی شک کو شبہ نہیں محبت اہل بیت موجود ہے کافی بنے تھوڑا جہا نہیں یاد نہیں کر پہ سکتے اوکھا کام ہے
बिरादरियों के बाइकाट ते रोले ते मोहम्मद खान हसन दादा बाबा शिया है मौज हो गई है। हाँ ये तू तो आया ही उस माँ की झोली जिथे पहले अली अली होता पिया ही सवाद तो आवे ना जो उदू ही आवे तेन पता लगे खर्चा कितना होता है। गल समझ आई है उदो कन्वर्ट होवे ना इतने तेन पता लगे भाई काट कितने आते बाद औकात बंद तू पुछे से मैं जी शिया हो बड़िया मुसीबत वेखियां जमीन खो ली उन्हें मकान खो ले उन्हें अखीर अगली साटे मरी उन्हें सवाणी खो ली अगर उन्हें तेरे नाल निकाह ही सही नहीं तू शिया हो गया असा का शक आई साड़ी केड़ी हिम्मत है। वो भाई असा उस माँ की झोली चाहे उस सू असूल फरू पढ़ाया बारह इमाम पढ़ाया संत मजहब है मजहब हक्का लभ गया विरासती तौर पर जिम्मे प्यो रकबा लभ पा जिम्मे प्यो माँ के पैसे बैंक चु लभ पाडा मीर खान की खर्च हो। अच्छा ईमान नाल दसो जरा उदू आवे वो बड़ी मेहनत है सानू तो उदू नहीं आना पे साड़ी काई जिम्मेदारी नहीं असा पैदा होने तू पहले कई ने की आई जो अल्लाह सानू जमद शिया च बनाए यह साले का फजल अल्लाह है जो दी है मैं ये अल्लाह का फजल है जिसते हो जाए मगर अल्लाह जिसते फजल करे ना उस जिम्मेदारी ही रखता है। अगर तुसी अली वाले हो मैं इजाजत दो तेरा वतनी नौकर हाँ मर मजना जोग फला दी है चंगी गल करो तो चंगे अमल करो ये जिम्मेदारी भी तेरी ज्यादी है। अगर हुक्म दो तो दसा जरा जमांदरू शिया है वो क्या जिम्मेदारी है खान की इजाजत है जड़ा पदेशी तौर पर मुसलमान है उदू तो अल्लाह की केड़ा फजल हो गया पदेशी तौर पर अली वाला है उदू तो खुदा का केड़ा फजल है मगर वो जिम्मेदारी अल्लाह दोहरी रखी तो सब मैं रोको चा तो मैं दस ना के जिम्मेदारी रोको चा वो के जिम्मेदारी है आ छेवें इमाम तू पुछया गया साई मेरा दादा भी तुहाडा मवाली मेरा वालिद भी तुहाडा मवाली मैनू तो विरासत ही तुहाडा पाक मजहब लगता है मेरे पेशवा फरमाया अगर ये दौलत तेन मुफ्त मिल गई है ना तो फिर जिम्मेदारी भी तेरी दोहरी है। इजाजत है खान जी करा गल मौला के फरमा मौला फरमाया सिर्फ सिर्फ शिया कहलवाते न रहो शिया बन कर दिखाओ सिर्फ विरासती तौर पर शिया जी मैं शिया जी मैं शिया नहीं शिया बन के भी खा शिया कहीं आते यह जिम्मेदारी है। गल तो यह वही सारी है देखे जो मैं बयान कर थोड़ी शिया बन के भी खा शिया बन के भी खा मौला शिया किमें बनी मौला फरमाया एक मौजे उत्थे तो मौला ने पिंड का नाँ लिया ना गाँव का शहर का मिसाल तौर पर मौजे के आस सिरे ते तेरा घर है मौजे की उस नुक्कर तो कोई पूछे इस मौजे च कोई बंदा है जिन्हें कोल अमानत रखी वे तो खयानत न करे जिन्हें कोल पूछे ना मौला फरमाते हैं साढ़े मानने वाला बेशक ना हो मगर उन्होंने इकरार करना पवे रांदा आ सिरे ते है ही वो इको नक्स है ही शिया आए हाय हाय तेरे शिया होवन का नक्स वो जहने च होवे तेरे अमीन होवन का पक वो जहने च होवे कि अमीन पूरा है अमानतदार मौला फरमाए जी अमानतदारी का मुखालिफ ही इकरार करे वो हमारा शिया होता है। अल्लाह तुम सलामत रखे सलवात तिलावत करो चलो माशाल्लाह मुंह नाल इकरार करिए सिर्फ जबान नाल और आखिरी बात कर रहे हैं बस टाइम बड़ा काफ़ी हो गया फिर ये बाद में साहब पढ़ता हूँ जबान नाल इकरार करिए जबान नाल तो बंदा मुसलमान बन पैंदा है। किसका इकरार इस्लाम का इस्लाम का जबानी इकरार करन नाल बंदा मुसलमान बन पैंदा इस गल नूं ज़हन रखो तो मैं अगली करा
इस्लाम दा मुंह नाल इकरार करन नाल बंदा मुसलमान बनवाइंदा है, ते जिस शायद इकरार कीता है उसनू दिल नाल यकीन च करे तो मोमिन बनवाइंदा। आयो मेरा थक होया मजमा, जबान नाल इकरार करे ता मुसलमान, दिल नाल दिल नू यकीन च करे ता मोमिन है। हुण जरा थोड़े जिहा पक्के हो गया मुत्तकी वे बनदे ने, पहला दर्जा मुसलमान दा, दूआ दर्जा मोमिन दा, त्रीआ दर्जा मुत्तकी दा। मुत्तकी हो सी ता इलियो दा इमाम बन सी, अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन दा मौला अली इमाम है ना। हुण तुहानूं मैं दस्सिया मुसलमान किवें बणदा, मुँह नाल इकरार च करे जबान नाल, दिलू मन्ने चा ता मोमिन, पूरे वजूद नाल उस ते अमल च करे ता मुत्तकी। मुत्तकी बनन वास्ते नवे कॉलेज दाखिल होने की लोड़ काई नहीं, इया गल है भाई जो मने होया है उस ते अमल चकरे तां मुत्तकी। ए करबला वाले मुत्तकी हैं, इन्हें अमल करके विखाया, सिर्फ जबानी इकरार नहीं कीता, सिर्फ दिल नूं यकीन नहीं कीता, बल्कि पूरे वजूद नाल अमल करके विखाया है, ते के बन गए मुत्ता, करबला वाले मुत्तक। कायनात दी सब तो बुलंद हस्तियां करबला वाले अल्लाह हुआ, खुदा दी कसम है किसे नबी दी उम्मत ही नहीं जिमें हुसैन दे शुहदा, कमाल कर दिता है। पहुंचावन ते नबी दा बड़ा खर्च होया है, मगर बचावन ते हुसैन दा ही बड़ा। मरहबा भाई, अल्लाह तुम सलामत रखे मेरे इलाके दे शरफा, बड़ा दीरक मजमा, नमाजी होबदार लोग, खुदा तुहानू दुनिया दा काम ना देवे। पहुंचावन ते पाक रसूल दा बड़ा खर्च होया है, मगर बचावन ते रसूल दे नवासे दा कितना खर्च हो, इतना खर्च होया है जो 1400 साल तो रोंदे बदे। बल्कि फरमाया गया है हुसैन इन रोवो रोवण दे हक अदा नहीं हो, बहन जिस वेले दुनिया तो तुरीए तो यही वादी वेंदी आई तेरे रोवण दे हक बहन तू अदा। अल्लाह अल्लाह तुहानू दुनिया का काम ना देवे। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक सदका पंजा दा तुहाड़ी दुआई कबूल फरमा, बचावण ते बड़ा खर्च, बड़ा खर्च, बड़ा खर्च होया। कुछ खर्चे ते चाह के पाक बीबी बतूल दरबार इलाही पेश हो, हुसैन दा अमामा हाथ चो एक हाथ जो हुसैन का कमीज़ो सी ते आख सी मेरा अल्लाह मेरे पुत्रां दा क्या कसूर। दरबार इलाही अल्लाह अकबर, बड़ा खर्च होया हुसैन। मेरे इलाके का शरीफ मजमा पढ़ने वाला सोचता है मैं केड़ा मसाइब पढ़ा, खुदा की कसम है ये जड़े मेरे पाक है ना पाक, इन्हों के फजैल की हद कोई नहीं, इन्हों के मसाइब की भी हद। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत, कोई जुल्म करबला ते शाम नमा नहीं होया, हर जुल्म दी इब्तदा मदीने हो गई। जे मेरे सत्तर नूं दिमाग जा देवे तो मसाइब इत्थां हो गई। हर जुल्म दी इब्तदा नबी दे बाद मदीने च हो गई, कोई जुल्म करबला शाम नमा नहीं होया, हर जुल्म दा मुढ़ मदीने हो बच गया। तुहानू इजाजत है मेरे उत्ते कोई बंदा सवाल च करे शाम का जुलम पड़े तो मैं तेन दसेना मदीने मुठ भज गया।
करबला दा जुल्म चपड़े में दसे सा मदीने बह गया। एक साढ़े हन अख्तर चनियोटी मरहूम बड़े बड़े नूहे लिखते हैं, नूहे का बड़ा बड़ा शायर आई अल्लाह दे गरी करामत करे, उन्होंने नूहे का एक शेर है जोड़ा इस मजमून नू बंद कर दिता है। उस एक शेर दे विच उन्होंने नूहे का शेर लिखिया, उन्हें फरमाया कतले शब्बीर, कतले शब्बीर सकीफा का नतीजा निकला। जिन्हें सकीफे का पता कोई नहीं उस अल्लाह का चौधरा में, कतले शबीर सकीफा का नतीजा निकला। अगली सत्तर तो पहाड़े मसाइब का अगू फरमाते हैं राज लोगों के खुले शाम के पता। मरहबा कतले शबीर सकीफा का नतीजा निकला, राज लोगों के खुले शाम के मुठ मदीने बच गए नी इंतहा करबला ते शाम। एक जवान मेरे को आ गया मातमी, मैनू आखन लगा चाचा जी तुसी आखिया है हर जुलम दी इब्तदा मदीने होई है, मैं करबला दा जुलम पढ़दा तुसा मुठ मदीने हो विखाओ। मैं आखे मेरा पुत्र पढ़ उस आखे जी करबला चन बतूल दा मारिया गया है, मदीने क्यों ये जुलम होए। मैं आखिया पुत्र आ मेरे को सुन, जेड़ा करबला चन बतूल का मारिया गया वह नाम हुसैन है, जेड़ा मदीने चन बतूल का मारिया गया। मैं सदके हूँ मैं तो निगाह नहीं हुई बाज बंदे की, मैं इशारा किया है करबला जेड़ा मर गया वह नाम हुसैन है, जेड़ा मदीने मारिया है वह नाम हुसैन है, जरा करबला मारे आए वह तत्ती रेत से मारे आए, जरा मदीने मारे आए वह माँ के पहलू में घुस गया। मरहबा अल्लाह दुनिया का कामना दिन इंशाल्लाह, जरा करबला मारे आए वह तत्ती रेत से मारे आए, जरा मदीने मारे आए वह माँ के शिकम में घुस गया। मैं कुर्बान होवां पहाड़े मसाइब का खुदा गवाह है, मैं इन्हें नए प्यादा मेरे वतनी मवालियां हो, जेड़ा करबला मारिया ना हुसैन उसका असी मातम करते हैं इमाम बारगाह ची गलियां ची बाजारां ची, ते ओदे कातिल दा नां लै के नफरीन ही करते हैं। मोहसिन एडा गरीब है जिंदे कातिल दा असी नां नहीं जान। केड़ा गरीब है खुदा की कसम है, मेरे ख्याल है इमाम ज़माना तो पहले असी ओदे कातिल दा नाम नहीं जा सकते। मोहसिन एडा गरीब है और मैं सदके हो वन्या है, ओ हुसैन भी ज़हरा दा पुत्र है, मोहसिन भी ज़हरा मुड़ मदीने बच गया है ना भाई शरीफ को मेरा है। उस अगे मैं अगला जुलम पढ़ता जी बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, मैं ना करा जी मोहसिन एडा उजड़ गया इतना गरीब है बतूल का पुत्र जैसे कातल देख भी नहीं कर सानू हालात इजाजत नहीं देंदे। मैं सदके होव अगला जुलम जड़े मैं पढ़ता, मैं क्या पढ़ के जुलम कर बला च नवा पूरा पूरा आवाज रख सो ज्यादा सीटी ना हो मेरा पुत्र अल्लाह यादी करी अल्लाह तेरी मेहनत कबूल करे। अगला जुलम पढ़ता जी करबला दे विच बड़े बड़े जुलम हो चाचा जी तू सब किवें मदीने साबित कर सकते हो। मैं कह तू पढ़ मैं तेन मुठ मदीने वेखना हो सके जी करबला दे विच करबला दे विच सजाद दे गल तौक ते रसियां इहो जिहा जुलम मदीने होया। मैं आखिया आ तेन भी खाई मदीने और जड़ी अली दे गल च रसी पाइया ने उसे दूआ सिरा सजाद दे गल च आयो। मैं सदके हो इत्थे अली दी बेअदबी होई उत्थे वंज सजाद दी बेअदबी। मरहबा इन्हें हक बनता है भाई जिमें मुकान देंदे बैठे हो खुदा राजी होने। अल्लाह अकबर हर इबादत नु आखरी समझा करो खुदा वसदा रखने। अगला जुलम पढ़दा तुसा मुठ मदीने हो, मैं क्या पढ़ मेरा चंद तू मोमिने मवालिए। उस अगे जी अगला जुलम यह है जो उत्थे त ज़हरा दियाँ धियाँ के ख्याम लुट पई आई। मैं कह ये को नवा काम होया है मदीने माल लुटी गई आई उत्थे धियाँ लुटियां गई हैं ये लुट माँ नू पई आई मदीने इत्थे माँ लुटी गई है उत्थे धियाँ।
सही उत्थे तां बड़ा जुल्म होया है, उत्थे वंज के पाक जहरा दियां धियां दे खयाम नू जालमा भा लाईए। वो पढ़ता वैंदा ठीक पढ़ता वैंदा ना, इहो जिहा जुल्म मदीने होया। मैं आख्या आ मेरा पुत तैनू विखाई मदीने, ये बाह नवी काई नहीं लगी जिहड़ी अग बतूल दे बूहे ते चमकी। वाह भाई वाह, जज़ाक अल्लाह, जिहड़ी अग बतूल दे बूहे ते मरहबा, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह दुनिया दा गम ना, जिहड़ी अग बतूल दे बूहे ते चमकी आई, उह ते वन कर बला फड़कीए, मुड़ मदीने भज गए, इंतहा कर बला ते शाम। अल्लाह राजी हो भी भाई मवालिया, वो आदा जी अगला जन्म पढ़दा, बेहया आले रसूल दे खयाम लुटन वास्ते खयाम च कमीने दाखिल हो गए। हया न कि तुने बतूल दियां धियां दे खैमे दा, अल्लाह दी कसम है मैं आख्यो मेरा चंद सुलेमान चिट्टी दाड़ी नाल मातम करके आदा, यो सुलेम इब्ने कैस हिलाली, और तू उस वेले मदीने हावे कोई ना, और मेरिया अखी ना होवण हा, और मैं इन अखी नाल वेखे बंदे बूटा ते जूनियां समेत ज़हरा दे वेड़े दाखिल हो गए। अल्लाह अकबर, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह तुहानू दुनिया दा फज़ला दे। हर ज़ुल्म दी इब्तदा नबी दे बाद फौरन मदीने च हो गई है। इथाई ता संगलत थी है उम्मत दी। मैं कुर्बान वन्या हैं जी, मैं जड़े अगला जुलम, अल्लाह जानदा ने मेरे इलाके दे मवालियों बड़े बड़े जुलम करबला होए, मगर हर जुलम दी इब्तदा मदीने। एक जुलम ता मदीने ही हो जाए होया है, जड़ा करबला नहीं होया। आखो ता पढ़ के सुनावा जा, महा मसैब दा पहाड़, करबला नहीं होया, एडा जुलम मदीने हो। करबला मावां दे सामने पुत्र मरींदे रहे, मावां रोंदियां रहियां, रवायण करे दियां रहियां। करबला भैणां दे सामने भिरा मरींदे रहे, भैणां रोंदियां रहियां, रवायण करे दियां रहियां। अल्लाह गवाए करबला मावां दे सामने पुत्र मरींदे रहे, मदीने सादा तेडी गुरबत आईए, पुत्रां दे सामने मां मरींदी रहे। कहले दौड़दे मस्जिद दर बहने न बाबा साड़ी माँ ते जुलम पिया, कहले आदे नाना साड़ी माँ ते जुलम पिया। इत्थे पुत्रा दे सामने माँ मरींदी रह गई है। अल्लाह गवाह ने दरवाजा दरवाजा होवे ना दरवाजा दक्कलबाब होवे, बच्चियां दी फितरत दौड़ के पहले बहने, किसी का बूहा खड़काया वजे ना तो बच्चों की फितरत दौड़ के पहले साढ़े बूहे ते कौने, चोटियां हवा चुड़दियां दियां दरवाजा इो जहल जित नाल खड़किया है। हसनैन जदा मंजर डिठा है वापस दौड़न दौड़दे आदन ते आदे आदन अम्मा साढ़े दरवाजे ते फौज आई खड़ी। आयो मैं सदके मामा अम्मा खालियत नहीं कुछ हाथ च लकड़ी चाई वदन कई अग चाई वदन आदन दरवाजा जल्दी खोलो अली बाहर आवे। मरहबा मरहबा अल्लाह राजी होने इन हक बनता है मुकान का जिमें देते बैठे हो। ऐ भाई अली खुद बने दरवाजे ते, अली खुद बने जहरा दिए मौला तुसा नहीं मजना मैं बहदी हाँ, मैं जो इन्होंने नबी दी धी हाँ। बोलन वाले उच्चे उच्चे आवाज देवन वाले आखिर मेरे बाबे दा कलमा जो पढ़ दें, बीबी से होज ते आई है आग्या दिए हौले बोलो इत्थे ता नबी रुक वेंदा। मरहबा भाई अल्लाह राजी होई, खातून कयामत राजी होई, बीबी आदी है इसका बोलो इत्थे ता मल कलमा होती जाता मंगदा हा, इत्थे ता जिब्रील रुक वेंदा हा। अल्लाह जानदा ही गल पई होंदी आई, दरवाजे नू अग लग गई है, अग लगी है ते जोर दा झटका लगा है, दरवाजा पटिया है, पिछू दीवार
मरहबा भाई हो गया मदीने जुलम, मैं कुर्बान हुआ, जन गई बतूल, गुजर गए लोग, जेड़े वेले अखी भालियां सु सद मार के आ दिए फिजा जल्दी आ, मेरा मौसम डर गिए, मैं कुर्बान हुआ। अल्लाह राजी होने भाई, अल्लाह राजी होने, और थोड़ी औलादों की हयाती होवे, और अल्लाह थोड़ी दुआएं कबूल फरमा, फिजा जल्दी आ, मेरा मौसम डर गिए, दाइयां सहारा दिता है, बीबी नू सहारा मिले है, बीबी फौरन डिठा है, क्यामत दा नमूना, अली दे गाले च कपड़ा पाके बंदे मस्जिद आले पासे पै खिंच दे, इन्नी आई है जिवें खेत दे पासे पानी आए, अपने दर्द भुल गई है, अली दी आवाज हाथ पाके आदी कदी ना वंजन दे सा अली नू, मैं कदी कैद ना होण दे सा अली नू, एक जालम दा हाथ उठिया, अल्लाह जाने क्या हथियार आई, बतूल दे सज्जे बाजू ते लगा है, बांह त्रुट गई है, जमीन ते झड़ गई है, बाबे दी कबर तेरे मुंह करके आ दी है, बाबा धी उजड़ गई, बाबा धी लुटी गई है, बाबा तेरे बाद मैं उठ, मरहबा जज़ाकुमुल्लाह। खुदा दुनिया दा गम ना दिले, बतूल अखी भालियन, अली नजर नहीं आया, दाइयां नू आ दिए अबुल हसन किदे गया, ऐना ऐना अबुल हसन दाइयां दसिया कैद करके दरबार च लैके टुर गए, अल्लाह जानदा है अपने दर्द भूल गई है, ए जख्मी हाथ इंच कीते आदिए मेरा अल्लाह मेरा फिदा खसिया, मैं सबर कर, मेरा मौसम टुर गया, मैं सबर कर, मेरे बड़े नुकसान होए, मैं सबर कर गई, ए जड़ी गुस्ताखी अली नाल कीती ने, अली दा कैद होना मेरे तू बर्दाश्त नहीं होंदा, इया दुआ पई मंगदी आई, मदीना हलण लग गया, मस्जिद दिया दीवारा बुलंद होण लग गई, अली जदा मंदर बिठा फरमाए दे नसरैन वजो मां नू आखो हाथ तले कर ला, ओ बाबे दा दीन में जो ऐसिया मेरे नाल कोई नहीं लड़ सकदा, ओ मैं तेरे बाबे दे अमर दा पाबंदा, एक बारी मेरे नाल रल के वैण करो, मुंह नाल बोल के आखो नबी दी धी अली दी गिरफ्तारी ते एडी बेताब हो गई है, ते यारी दी दीगर करबला होवे हा, जदा सज्जा ते गल तो गई, जदा तेरिया धीया दे हाथ कर, अल्लाह राजी होने इंशाल्लाह, अल्लाह शाला तो दुनिया का कोई गम ना दे, मालिक उल मुल्क तुहाडे उत्ते राजी, जी मैं नौकर, सारे मेरे नाल रल के पढ़ो, बीबी करबला होवे जदा सज्जाद ते गल तो गई, ओ तेरिया धीया दे हाथ च रसिया, करबला होवे तेनू पता लग वंजिया, तेरी औलाद दे नाल किवें गुजरी, मैं कुर्बान होना है भाई, इजाजत दें दे हो, इयो आधी टुर गई, शाह साहब किबला आ जाओ, बिस्मिल्लाह के आ जाओ, शाह साहब किबला आ गए, बेदम इधर रहो, ये बेइंसाफी ना करो, मैं तो खुद उन्होंने साथ मारे, शाह साहब किबला पहुंच गए, मैं उन्होंने आंदे तैने बैन च सुनाई, इयो आधी टुर गई, जद टुरी है ना नबी दी धी, जद मैं वेख पाओ चाचा रत्ते सेड़ा ले खैर ते ना ना अगे आओ साई इतने आ जाओ, इतने आओ ना बिस्मिल्ला, और मेरा साई मैं इन्ह गलों नहीं देता, तुम सैयद बादशाह हो, साढ़े सरदार हो, मैं एक वैण करना है बस, ये वैण करें दी टुर गई, केड़े सदमे डिठन बतू, केड़े सदमे डिठन, केड़े सदमे बाबे दे बाद, इन्हें समझो मैं मिंबर छोड़, पुत्रो इधर वेखी, मिंबर मैं छोड़ दिता है, इन्हें समझो मैं मिंबर छोड़ दिता, केड़े सदमे डिठे, मगर जदा दुनिया तुर तुरी है, इयो को जा दिया ही, मैं हर सदमा बर्दाश्त कर बन्या हा, पर मैनू अरमान इयो है, मैनू अध्यान बतूल मसले तू भूल गई, अल्लाह जानदा इयो दर्द लाए के टुर गई है, मैनू अध्यान बतूल मसले तू भूल गई, ए जदा अंदर सहारा आदी धी कैदा निभा के कबर ते आई है, आदी अम्मा तू ए दर्द लाए के गई आवे, के मैनू अध्यान बतूल मसले तू, मेरे को पूछ तेरी ज़ैनब केड़ा दर्द लाए के आई है,
ਉਹ ਵੀਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਲਾਇਆ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਦਾਈ ਬਾਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਦਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਬਾਂ ਗਿਣਦੀ ਰਹੀ ਅੱਲਾ 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਸ਼ਾਇਦ